अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि अली अंसारी और जुबाब राना का जो ड्रामा सीरियल आ रहा है जियो टीवी पर, उसका पहला एपिसोड हमें कब देखने को मिलेगा। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप जुबाब राना या फिर अली अंसारी के फैंस हैं और आरज अहमद की एक्टिंग को पसंद करते हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए। इस वीडियो में हम आपको ये बताने लगे हैं कि आरज अहमद, जुबाब राना और अली अंसारी आपको जियो टीवी के ड्रामा सीरियल में नज़र आएंगे। ड्रामा सीरियल का नाम कन्फर्म नहीं हुआ था पिछली वीडियोज़ में, आप ड्रामा सीरियल का नाम जियो टीवी वालों ने कंफर्म कर दिया है। जियो टीवी के मुताबिक ड्रामा सीरियल का नाम होने वाला है चाल, और यह ड्रामा सीरियल जियो टीवी वालों ने कंफर्म कर दिया है। चाल ड्रामा सीरियल की कास्ट में हमें अली अंसारी, जुबाब राना, आरज अहमद और बख्तावर खान मेन लीड में देखने को मिलेंगे। आने वाले ड्रामा सीरियल चाल की ऑफिशियल डेट की अनाउंसमेंट हो चुकी है और यह ड्रामा सीरियल हमें 1 जून से रोज़ाना रात 7 बजे जियो टीवी की स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। चाल ड्रामा सीरियल जियो टीवी का आने वाला एक अपकमिंग सोप सीरियल होने वाला है और यह ड्रामा सीरियल आपको रोज़ाना रात 7 बजे देखने को मिल जाया करेगा। चाल ड्रामा सीरियल रिप्लेस कर रहे दाव ड्रामा सीरियल को। दाव ड्रामा सीरियल ख़त्म होगा और चाल ड्रामा सीरियल लग जाएगा। चाल ड्रामा सीरियल को लिखा है नादिया अहमद ने, जिन्होंने अली अंसारी का सुपर हिट ड्रामा सीरियल एयर वे डिजिटल का जो था दिल ही तो है वो ड्रामा सीरियल भी लिखा था। आने वाला ये ड्रामा सीरियल चाल को डायरेक्ट किया फुरकान आदम ने, जो कि बहुत ही अच्छे डायरेक्टर हैं। आने वाला ये ड्रामा सीरियल को प्रोड्यूस किया है सैयद अहमद मुख्तार और ज़िशान अहम खान ने, और इस ड्रामा सीरियल को जियो टीवी पे रिलीज़ किया जाएगा। ड्रामा सीरियल के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड तो नहीं हूँ, क्योंकि यह ड्रामा सीरियल मैं देखने वाला नहीं हूँ। इस तरह के ड्रामा सीरियल देखने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, और इस तरह की जो घिसी पिटी स्टोरीज़ हों और घरेलू स्टोरीज़ हों और घर लोकेशन एक ही दिखाई जाए तो मैं इन ड्रामा सीरियल से बोर आ जाता हूँ, और मैं ये ड्रामा सीरियल बिल्कुल नहीं देखने वाला, क्योंकि इस ड्रामा सीरियल की मुझे कोई एक बात भी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ना ड्रामा सीरियल की कास्ट अच्छी लगी है और ना ही ड्रामा सीरियल का जो लोकेशन है, सेट लोकेशन, ना OST क्या अच्छी OST है, कुछ भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बाकी ड्रामा सीरियल देखते हैं कि TRP के मैदान में किस तरह बाजी लेता है और YouTube पर व्यूज़ किस तरह आते हैं, क्योंकि जियो टीवी का ड्रामा सीरियल है तो TRP भी काफ़ी ज़्यादा हाई आ सकती है और हो सकता है कि ये YouTube पर भी अच्छे व्यूज़ अचीव कर ले। बाकी ड्रामा सीरियल की जो मेन कास्ट में हमें अली अंसारी, जुबाब राना, आरज अहमद, बख्तावर खान देखने को मिलेंगे। साथ ही सपोर्टिंग कास्ट में हमें शमीन खान, हमाद फारूकी, शहूद अलवी, शाहीन खान, मिजना वकास, फरहान अली आगा और इसके अलावा काफ़ी सारे नामवर अदाकार ड्रामा सीरियल की कास्ट का हिस्सा बने हैं। मैं तो ये ड्रामा सीरियल बिल्कुल भी नहीं देखने वाला, क्योंकि ये ड्रामा सीरियल मेरे टेस्ट के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं है। बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग ये ड्रामा सीरियल देखने वाले हैं या नहीं, और ये ड्रामा सीरियल किसके लिए देखेंगे, जुबाब राना के लिए, अली अंसारी के लिए, आरज अहमद के लिए या फिर बख्तावर खान के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।